डेढ़ साल की मासूम बच्ची ने गलती से 1 रुपयों का सिक्का खा लिया, जिसके बाद उसे सांसें लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। हालत काफी ज्यादा बिगड़ने पर बच्ची के परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर भी सिक्के को नहीं निकाल पाए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बच्ची के फूड पाइप में किस तरह से ये सिक्का अटक गया था। डॉक्टर ने दूसरे फिजिशियन के पास बच्ची को भेजा, क्योंकि बच्ची के चेहरे, गर्दन, छाती में सूजन आ गई थी और उसे सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानियां होने लगी थी। डॉक्टरों की एक खास टीम ने मिलकर 90 सेकंड में, जी हां, 2 मिनट के अंदर एंडोस्कोपी की और बच्ची के गले में फंसे कॉइन को बाहर निकाला। अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो मासूम की जान चली जाती। अब बच्चा अस्पताल में भर्ती है और खतरे से भी बाहर है। ये घटना नई दिल्ली में हुई, जहां पर 1.5 साल की मासूम ने गलती से 1 रुपयों का सिक्का खा लिया।